चारुमात्रा सही में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक और नई रेसिपी लेके आए हैं। आज हम अपने वीडियो में मीठी बूंदी बनाना देखेंगे। मीठी बूंदी को जनरली लोग ट्यूसडे के दिन हनुमान जी पे चढ़ाना पसंद करते हैं, या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट बना के मीठी बूंदी तैयार कर सकते हैं और उसके लड्डू भी बना सकते हैं। मीठी बूंदी को ऐसे भी खाया जा सकता है नॉर्मली बिना लड्डू के भी। सो आइए देख लेते हैं घर पे मीठी बूंदी, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी झारे के हम कितनी आसानी से तैयार कर सकते हैं और हमें उसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। सो हमें मीठी बूंदी बनाने के लिए इन सब इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। हमने ये हाफ कटोरी बेसन लिया हुआ है, हाफ कटोरी ही हमने चावल का आटा लिया हुआ है, एक कटोरी चीनी है जिसकी हम चाशनी बना के तैयार करेंगे और थोड़ा पानी लेंगे जिससे हम अपना बेसन का घोल बना के तैयार करेंगे। इसके अलावा हमने ये ऑरेंज रेड कलर लिया हुआ है जो इसमें हम हल्का सा कलरिंग देने के लिए ऐड करेंगे, और देसी घी हम यूज करेंगे अपनी बूंदी को फ्राई करने के लिए। आप चाहें इसको रिफाइंड ऑयल में फ्राई करना, सॉस में भी आप कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं अपनी मीठी बूंदी बनाना। हमने ये एक मिक्सिंग बाउल में अपने चावल के आटे को और बेसन को ले लिया है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पतला घोल बना के हम तैयार करेंगे। पानी हम पहले थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे वरना हमारे बैटर में गुठलियां पड़ने के या लम्स पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। सो इसका एक हम घोल बना के तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा बेसन का घोल बन के तैयार हो चुका है। इतना पतला ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है जिससे कि हम इसको आराम से घर पे बूंदी बना सकें। हमारा बैटर एकदम अच्छे से बनके तैयार हो गया है। इसको आइए हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, तब तक हम अपनी चाशनी को बना के तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक सॉस पैन लिया है, इसमें हमने एक कटोरी चीनी ली है, तो हम इसमें 1/4 कटोरी पानी ऐड करेंगे और 1 कटोरी अपनी चीनी इसमें डाल देंगे और हमें इसकी चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। चाशनी हमें सिर्फ चिपचिपी होने तक ही बना के तैयार करनी है, तो इसको बॉईल होने देते हैं जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है। देख सकते हैं हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसको हम बॉईल होने देते हैं और चिपचिपी होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। और इसी बीच में हमने अपना ये जो ऑरेंज रेड फूड कलर लिया हुआ है, चुटकी भर हम वो अपना ऐड कर देंगे कलरिंग के लिए। आप चाहें इसको बेसन में घोलना, अगर आपको वो सूटेबल लगता है वो भी कर सकते हैं, बट चाशनी में घोलने से ज्यादा अच्छा इसका कलर आता है। सो इसे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। हमारी चाशनी भी देख सकते हैं बनके तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हम हाथ में हल्की सी चाशनी को लेंगे और आपस में चिपका के देखेंगे। हमारी अगर उंगलियों में चिपकन फील हो रही है, इट मीन्स हमारी चाशनी चिपचिपी वाली बनके तैयार है। हम अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हमने अपना घी गरम कर लिया है कढ़ाई में। हमारा घी इसमें थोड़ा अच्छा गरम होना चाहिए बूंदी को निकालने के लिए। आपके पास अगर झारा हो बूंदी निकालने का तो आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम जो हमारे पास इस तरीके का होता है घर में पोड़ी या झारा, आप इससे के द्वारा भी बना सकते हैं। हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर अपना बेसन का जो घोल है उसे डालते जाएंगे और नीचे आप देखेंगे हमारी बूंदी इसमें से निकलती जाएगी। इस तरीके से हम अपनी बूंदी को हिलाते हुए डालेंगे तो हमारी वो एक जगह इकट्ठी नहीं होगी और अलग अलग दाने उसके बनके तैयार होंगे। अब इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही रहने देंगे, जब ही हमारे ऊपर के बबल सेटल डाउन हो जाएंगे उसके बाद ही हम इसको हिलाएंगे। देख सकते हैं हमारे बबल सारे सेटल डाउन हो गए हैं और हमारी बूंदी इस तरीके से आ गई है। अब हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। देख सकते हैं हमारी बूंदी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। इसको आइए अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने बाकी बचे हुए बैटर की भी बूंदी निकाल के तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने अपनी सारी बूंदी को निकाल के रख लिया है एक प्लेट में। आइए अब हम इसको चाशनी में मिक्स करते हैं। ये हमारी चाशनी है, इसमें अब हम अपनी सारी बूंदी को इस तरीके से मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे हमारी बूंदी सारी चाशनी को अच्छे से सोख कर ले।
अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे एक प्लेट से, जिससे ये हमारी बूंदी सारी चाशनी को अच्छे से सोक कर ले। देख सकते हैं हमारी बूंदी चाशनी में अच्छी तरीके से सोक हो चुकी है। हमारी बूंदी एकदम बनके तैयार हो चुकी है। तो आइए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने थोड़ी बूंदी अपनी एक बाउल में निकाल ली है और इसको हम थोड़ी सी जो हमारे खरबूजे के बीज होते हैं उससे डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें इसको चाशनी मिलाते हुए तब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी मीठी बूंदी बनके तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई हुई मीठी बूंदी की रेसिपी पसंद आएगी। इस तरीके से आप मीठी बूंदी बना के ट्राई कीजिएगा। सो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और सभी लोग बहुत पसंद करके उसको खाना एंजॉय करेंगे। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।